Okay, so a lot of people have watched me, not watched me, listened to me on YouTube. और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग के दो तीन कमेंट्स जितने भी आए थे, अच्छे कमेंट्स थे कि लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बढ़िया है. आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट टू, दैट इज़ एग्जिस्टेंशियल सफरिंग. और मज़ेदार बात यह है पॉडकास्ट की कि मैं किचन में जाके कॉफ़ी बना सकता हूँ अपने लिए. अरे वाह, क्या बात है. और मैं आपसे बात भी करता रहूँगा, राइट. तो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, ये एक ऐसी सफरिंग है जो सब में बराबर है, सब में रहती है, और उसका जो जड़ है वो एक ही है सबकी. इंटेलेक्चुअल सफरिंग की जो जड़ है वो थॉट था, लेकिन थॉट अलग अलग हो सकता है. किसी की लड़की प्रॉब्लम है, किसी का करियर प्रॉब्लम है, पैशन प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है, किसी का पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टुडे वी हैव टू सी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल सफरिंग, राइट. सो ये एक ऐसी सफरिंग है जो सब में बराबर है. कोई भी ऐसे मनुष्य नहीं है, जानवर को छोड़ के, जिसमें सफरिंग ना हो. कोई मानता है, कोई नहीं मानता. ये जो सफरिंग होती है इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्रिएट होती है. कैसे, मैं आपको बताऊंगा. देखिए, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग का जो ग्राउंड है वो है अकेलापन. ये एग्जिस्टेंस में जितने भी मनुष्य हैं सब में होती है. क्यों? क्योंकि द हायर द इंटेलिजेंस द हायर द सफरिंग. ये एक रूल है पूरे पॉडकास्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट. और ये उस सवाल का आंसर है कि हर किसी को क्यों सफरिंग नहीं होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है. जो आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो ज्यादा सफर करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी उतनी ही ज्यादा सफरिंग होगी. ये रूल होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो एक पावर है, और जहां पे पावर है वहां पे उसका एक नेगेटिव साइड भी होता है, और वो है, कोई अगर ब्लंट आदमी है जिसको ज़्यादा जो ज़्यादा चालाक नहीं है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, डबल मीनिंग समझ में नहीं आता, या कुछ समझ में नहीं आता, जिसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है. व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? किसी भी चीज़ को समझ पाना इज़ इंटेलिजेंस, ठीक है. उसको तोड़ के समझना, और हर चीज़ टूट के ही समझती है. जैसे कि अगर बॉडी दे दें तो बॉडी आप काटोगे और उसको समझोगे, फ्लावर को काटोगे और समझोगे, तो उसको दो करके समझो, तीन करके समझो, टुकड़े करके समझना इज इंटेलिजेंस, ठीक है. इंटेलिजेंस का काम ही है कि वो दो भेद कर देती है. वो हमेशा डुअलिटी में काम करेगी. जैसे कोई भी होगा तो ये मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा अच्छा है, या फिर वो ऐसे तुलना करने लगेगी वो, है ना. सिंगर्स में, मूवीज में, सलमान वर्सेस शाहरुख एंड ऑल दैट आपने देखा होगा. तो दैट इज इंटेलिजेंस डेफिनेशन. नाउ एक और फैक्टर है जो इंटेलिजेंस को इम्पॉर्टेंट करता है, वो फैक्टर ये है कि जितनी जल्दी आप किसी चीज़ को समझते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर इंसान से मैं बोलूं और भाई कहाँ घूम रहे हो, और उसको कुछ डबल मीनिंग लगा दूं मैं उस लाइन में, तो जितनी जल्दी वो समझ जाएगा वो उतना ही इंटेलिजेंट है, ठीक है. पता नहीं मैं क्यों स्टंबल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में. अगर कोई इंसान है वो डबल मीनिंग नहीं समझ पाता जल्दी, तो समझ लो उसकी इंटेलिजेंस अभी कम है, आईक्यू बेसिकली जो होता है. तो इंटेलिजेंस सब में होती है, और इंटेलिजेंस का और इमोशंस का जो कनेक्शन है वो नहीं होता है आपस में. कोई इंसान है, अगर आप उसको प्यार करोगे तो प्यार समझेगा, प्यार हर आदमी बराबर से समझेगा, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो. लेकिन आपकी बातें हर कोई समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, ये मैटर करता है पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है. जिसकी इंटेलिजेंस हाई होगी वो आपकी बातें या कोई टॉपिक, कोई विषय, कोई किताब, कोई ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, समझ लो कि जितना आदमी इंटेलिजेंट है
उतना ही वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिसमें, जैसे भगवत गीता के श्लोक, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मैं बोलता हूँ राम वहाँ रहता है, ये कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वर्सेस कॉन्क्रीट थिंकिंग समझना ज़रूरी है, ठीक है। कोई इंसान है वो ये तो समझता है कि राम वहाँ रहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। अगर हम वो समझाने की कोशिश करें तो वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हो, है ना, तो उसको समझ नहीं आएगा। डबल मीनिंग आप कुछ बात करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको समझने में टाइम लगेगा। जो आदमी जितनी जल्दी समझ जाता है, समझ लो वो उतना इंटेलिजेंट है। जो आदमी जितनी जल्दी कोई भी चीज़ समझ जाता है, कितना टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा जो बेवकूफ़ है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट मी पोर माई कॉफ़ी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन सिट नेकेड एंड डू स्पिरिचुअल सेशंस, राइट, बट आई एम नॉट राइट नाउ बिकॉज आवाज से पता चल जाएगा। बट एनी वे, सो मैंने क्या बताया, जो ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो समझ लीजिए कि आप 100% आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, एक और एग्जांपल से अब इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। एक इंसान है, उसका ब्रेकअप हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर वो तीन बार तक समझ गया बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि काफ़ी विकसित हो चुकी है। लेकिन अगर वो गलती दोहराता रहता है, 10 बार 15 बार 20 बार रिलेशनशिप में जा रहा है या सेक्स के लिए पागल हो रहा है, लेट से कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक आइडिया आता है आपके अंदर कि मैं सेक्स करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेट से, तो आपने सेक्स किया, दो बार तीन बार किया, आपने कहा इसमें कुछ पड़ा नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, उनको लगता है कुछ पड़ा हुआ है उसमें, जबकि उनको ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, रुक के ठहर के देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोग को बुद्धू लोग बोलते हैं, ऐसे लोग बुद्ध नहीं होते, ऐसे लोग बुद्धू होते हैं। दिस डिफरेंस बिटवीन बुद्ध एंड बुद्धू। बुद्धू वो है जो एक मिस्टेक को बार बार करता रहता है और सीखता नहीं है, और बुद्ध वो है जो एक मिस्टेक को दो तीन बार करके सीख जाता है। जितनी कम रिपीटेशन होगी उतना ही समझ लो कि वो बुद्धिमान है, ठीक है। तो दैट इज द सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग पे आते हैं। व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल सफरिंग? ये एक ऐसी सफरिंग है जो अकेलेपन से उत्पन्न होती है। उससे पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जो ये सफरिंग है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग, जो पार्ट वन में मैंने बात करी थी, उसका अधिष्ठान क्या है, ग्राउंड क्या है? आप कहोगे थॉट, लेकिन थॉट किसके अराउंड परिक्रमा करता है, किसको ऑर्बिट करता है? एक डिजायर को, ठीक है। अगर हम स्वचलित थॉट को छोड़ दें, स्वचलित थॉट मतलब क्या, आपने कोई सेंसेस को बम्बार्ड किया, नेटफ्लिक्स बार बार देखा तो वो सीरीज चल रही है माइंड में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी वासनाओं की बात कर रहा हूं, आपकी इच्छाओं की बात कर रहा हूं, जिसके अराउंड एक विचार परिक्रमा करता है। विचार परिक्रमा करते हैं, इसकी बात याद रखना हमेशा, परिक्रमा मतलब ऑर्बिट, और बीच में सूर्य की जगह एक वासना होती है, जैसे अंजलि, 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 मैं पहले समझा चुका हूं, मैं इसको नहीं समझाऊंगा, जिसको नहीं समझा पार्ट वन जाके सुन लीजिए प्लीज, पार्ट वन सुनेंगे तभी पार्ट टू समझ में आएगा प्रॉपरली। तो अगर हम डिजायर हटा दें, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम विचारों को हटा दें तो क्या जादू होगा पता है? थॉट रहेगा नहीं, थॉट रहेगा नहीं तो रेस्टलेसनेस नहीं होगी, दुख नहीं होगा। थॉट के ऊपर ही इमोशंस होते हैं, थॉट ट्रिगर करता है इमोशन को, वो एक हैप्पी इमोशन हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव इमोशन सैडनेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो पहले इमोशंस आते हैं, फिर थॉट आता है, सबसे सेंटर में डिजायर आता है, और इसको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो जीव होता है, वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अगर वो बॉडी से बाइंड है तो आप एक कंट्रोलर हो, ठीक है, आप इसको समझ के ख़त्म कर सकते हो।
तो इंटेलेक्चुअल सफरिंग डिजायर को क्वेश्चन करने से खत्म हो जाती है। व्हाट इज द डिजायर, भाई क्या जरूरत है एंटरप्रेन्योर बनने की, इतना बड़ा क्यों करने की जरूरत है, उसकी वजह से ज्यादा पैसा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये लोगों को पता नहीं है कि 100 करोड़ 150 करोड़ आप कमा रहे हो पर मंथ, उससे प्रॉब्लम होती है। आप एक ही चीज को और बड़ा करते चले जा रहे हो। अब मैं यहाँ पर आपकी चॉइस नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे, अगर नहीं करेंगे, तो ये जो दुनिया है ये और अच्छी कैसे बनेगी, हैं? तो लोगों के कंफर्ट के लिए टेक्नोलॉजी का अपडेशन भी ज़रूरी है, लेकिन क्या लोगों का कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर पृथ्वी का कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है? पृथ्वी कहाँ जा रही है, पृथ्वी की धज्जियाँ उड़ रही है ना। तो टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज आपके जैसे लोग जब बाहर आएंगे कुछ नया करेंगे तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, है ना। एडिसन अगर ये कहते कि भैया हम तो वासना नहीं करेंगे, और वासना नहीं करना, पार्थ सिंह की बातें माननी, बैठ जाओ चुपचाप, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती हमारे पास, राइट। तो वासना प्रॉब्लम नहीं है, वासना अगर इंटरेस्ट लेवल तक रहे तो प्रॉब्लम है, तो सही है, लेकिन वो अनिवार्यता बन जाए तो प्रॉब्लम है। मुझे अंजलि से शादी करनी है, ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अंजलि चाहिए ही चाहिए, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, कुछ भी कर सकता हूं, ये प्रॉब्लम है। जुनून, दीवानापन, बर्निंग डिजायर, वासना, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन इसमें, इस गेम में, इस खेल में एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझना है, कि जैसे ही आप ये सोच के जाओगे नहीं नहीं मैं तो इसको इंटरेस्ट लेवल तक रखूंगा और ऊपर तक नहीं लेके जाऊंगा, आप एक चीज नोट करोगे कि जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो आपको ऑटोमेटिकली वो वासना बन रहा है, तो अभी मैंने ये बोला कि इंटरेस्ट लेवल तक रहना चाहिए, बर्निंग डिजायर तक नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप कोई भी काम करोगे वो ऑटोमेटिकली बर्निंग डिजायर बनेगा। अगर किसी भी चीज पे आप फोकस करोगे और सिर्फ उसी पे फोकस करोगे तो वो आपका बर्निंग डिजायर बन जाएगा, ये बात याद रखिए। तो अब क्या करें, इससे बाहर कैसे आए? ठीक है, इससे बाहर आने का एक तरीका है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, तो ये जो बड़ा बनने की कोशिश है या बड़ा बनाने की कोशिश है, इस पे एक नियंत्रण आ जाता है, एक वश आ जाता है, एक काबू आ जाता है, आप इसको काबू कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, अपने अनुसार इसको दिशा दे सकते हो। स्वचलित होनी चाहिए चीजें, ठीक है, आपके अनुसार, ठीक है। तो व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, ये सफरिंग अकेलेपन से होती है, लेकिन ध्यान रहे राम एक मनुष्य है, राम ने मेरे लेक्चर सुने, उसने कहा कि ठीक है इंटेलेक्चुअल सफरिंग का जो ग्राउंड है वो डिजायर है, तो मैं सारे डिजायर खत्म कर देता हूं। तो राम ने 1.5 साल में सारे डिजायर्स पार्थ सिंह के लेक्चर सुन के खत्म कर दिए। अब वो एक कमरे में आके बैठा हुआ है और कोई डिजायर नहीं है, अभी उसको उसके थॉट्स, उसकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं वो परेशान नहीं कर रही है, वो जो जड़ है वो खत्म हो चुकी है, अब माइंड ब्लैंक हो चुका है, अभी माइंड में कोई भी थॉट नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, ठीक है, मतलब है बट उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो कमरे में बैठा हुआ है बिना किसी डिजायर के बैठा हुआ, डिजायरलेसनेस हो चुकी है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब वो कमरा उसको काटेगा, पकड़ में आया, अब वो कमरा उसको काटना चालू करेगा। अभी तक वो बिजी था, देखो अभी तक वो बिजी था, पर अब जैसे ही वो बिजीनेस छोड़ा उसने, क्योंकि अभी तक उसके माइंड को कुछ ऑक्यूपाइड कर रहा था, वो डिजायर, वो वासना, वो इच्छा वो ऑक्यूपाइड कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसको छोड़ा, वो कमरे में आके बैठा और उसने कहा पार्थ की बात सही है, मुझे सुकून तो मिल रहा है लेकिन मेरे को कमरा काट रहा है। कमरा मतलब क्या, कमरे में चारों तरफ अंधेरा है, घर में कोई है ही नहीं, कमरा काट रहा है, लोग चाहिए आसपास लोग चाहिए, ये एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है। हर किसी में एग्जिस्टेंशियल सफरिंग और इंटेलेक्चुअल सफरिंग मोस्ट प्रॉब्ली होती है सब में, दोनों इकट्ठा, लेकिन दोनों को सेग्रीगेट करना जरूरी है कि कौन से फील उठ रही है एग्जिस्टेंशियल से, कौन सी फील उठ रही है इंटेलेक्चुअल से, ठीक है। और ये जो मेरे लेक्चर्स हैं जो ये आ रहे हैं, आपको इसको, एक सेकंड, आई विल टेक अ सिप ऑफ कॉफी, भैया
ध्यान दीजिएगा, ये एक बार में समझ नहीं आएंगे, आपको इसको बार बार सुनना है। जब तक समझ ना आ जाए 5, 6, 7, 8 बार इस लेक्चर को सुनिए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से कुछ बोल के निकल जाता हूँ और उसके पीछे पूरा पूरा एक एक्सपीरियंस होता है। हर एक लाइन एक दूसरे से कोरिलेट करेगी, कुछ कुछ लाइनें आएंगी जो कोरिलेट नहीं करती हैं, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा इस पर भी अवेयर रहिए कि मेरा फोकस इनकी आवाज़ पर टूट गया है। जैसे मैं पहले संदीप जी के सेशन देखता था, तो अभी भी देखता हूँ, मेरा फोकस जो है वो टूटता था, तो मैं वापस आता था, मैं कहता था ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो सेशन में देख चुका हूँ, लेकिन ये पार्ट तो मैंने कभी नहीं देखा, जबकि ये सेशन मैं पहले देख चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहली चीज़ तो, कि जब आप सुनते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। एनीवे, ये जो बातें मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कई लोग एक्सपीरियंस ना क्यों, धीरे धीरे जब आप लाइफ में मैच्योर हो गए तो आप वापस इन 4 पार्ट्स पे आओगे जो मैं बना रहा हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई चीज़ें आपसे रिलेट नहीं करेंगी। जैसे ही आप 1-1.5 साल लाइफ में आगे बढ़ोगे, फिर आप आओगे सुनोगे इसको, तो आपको यार ये तो अब रिलेट कर रहा है मेरे से, अब मेरे साथ ये हुआ है ना। एनीवे, कमिंग बैक द पॉइंट, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग जो है, राम जो है वो बैठा हुआ है कमरे पे और उसको कमरा काट रहा है। अभी तक उसको कमरा नहीं काटता था, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड था, अपने लैपटॉप में बिजी था, अपना गोल में कर रहा था काम, पर अब कमरा काटना चालू कर दिया। कमरा क्यों काट रहा है? क्योंकि उसको अभी भी ये लगता है कि वो शरीर है, तो अब उसको ये एहसास दिलाना है कि वो कौन है। जब वो ये एहसास कर लेगा कि वो एक्चुअली में कौन है, तो उसको कमरा नहीं काटेगा, क्योंकि अभी उसको ये एहसास है, ये मालूम पड़ता है कि राम जो है वो एक एंटिटी है, बाकी पूरी दुनिया अलग एंटिटी है। इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एंटिटीज हैं, है ना, जैसे मैं अलग हूँ, वो अलग है, हर कोई हर चीज़ से अलग है। तो उसको अब ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो है कौन। जब वो ये करेगा क्वेश्चन, हु एम आई, यहाँ पे काम आएगा, तो उसकी जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही वो अकेलापन ख़त्म होगा, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा, एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा। तो अब सवाल ये आता है, क्या इसके बाद भी कोई सफरिंग बचती है या नहीं बचती? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि ये भैया, ये जो चीज़ है ना, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करनी होती है और समझ के छोड़ देना होता है। कई लोगों ने इसको समझ के छोड़ दिया, यहाँ तक इंटेलेक्चुअल सफरिंग कर लिया, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग कर लिया, लेकिन अभी भी उनको ट्रिगर करने में 2 मिनट लगता है। बस एक कमेंट निकालना है और वो ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं भी अगर कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं भी ट्रिगर हो जाता हूँ। कोई मेरे को कुछ आके बोलता है और मैं ट्रिगर हो जाता। ट्रिगर मतलब क्या, कि वो माइंड में चल रहा है उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे मेरे बारे में बोल सकते हैं, हर तरफ हर आदमी पॉजिटिव ही बात करे, हर तरफ हर आदमी सच सही बात करे। तो ये भी गलती पास्ट में कई लोगों ने करी है, कि उन्होंने क्या किया, इंटेलेक्चुअल सफरिंग कॉन्कर किया, एग्जिस्टेंशियल कॉन्कर किया, लेकिन अभी भी उनको ट्रिगर करा जा सकता है, मतलब वो इम्पल्सिव है। इसका मतलब उनका मन जो है वो क्रोधित है, और मन अगर क्रोधित है, आपका ब्रेक थ्रू पॉइंट आ रहा है। अगर आपका मन बैलेंस्ड क्रोध में रहता है, बैलेंस क्रोध मतलब क्या, एक ऐसा क्रोध जो बहुत ज़्यादा आपको हैवी कोई कुछ बोलेगा तब वो ट्रिगर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई मैं नीचे जा रहा हूँ, कह रहा है ऐसे कि मेरे को बोल दिया किसी ने, तो अब आपको क्या लगता है, वहाँ पे क्रोध नहीं आएगा? आएगा, हो सकता मारा पीटी भी हो बाद में, जितना हो सके गाली गलौज के बाद मारा पीटी भी हो। लेकिन अगर कोई यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ बोल के चला जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी से छोटी चीज़ आपको दुख पहुँचा रही है, चुभ रही है, तो समझ लीजिए आपका मन जो है वो अभी नियंत्रित नहीं है। उसमें जो क्रोध है वो ओवर बैलेंस्ड है, अंडर बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्रोध हो ही ना। क्रोध एक ऐसी एनर्जी है जो जितना आपके काबू में रहे ना उतना अच्छा है। जब कोई क्रोधित होता है तो वो क्रोधित सिर्फ हैवी चीज़ों के बोलने पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मुझे कोई बहुत कोई हैवी चीज़ बोलेगा तो मुझे क्रोध आएगा। छोटी छोटी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो।
जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो और एक आदमी मोटा सा आपके बगल में बैठा हुआ है और वो एकदम से पूरा फैल के बैठा हुआ है, ठीक है, फैल के बैठा हुआ है और आप क्रोधित हो रहे हो, साला ये कैसे ऐसे बैठ रहा है, आपको उसमें भी इरिटेशन हो रही है ना। कहीं भी जैसे ओला में आपने ओला किया, ओला में अंदर स्मेल आ रही है, उसमें आपको इरिटेशन हो रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपकी फ़ोटो पे किसी ने कमेंट कर दिया, क्या कुत्ते जैसी शक्ल है, या आप एक टैलेंटेड इंसान हो तो क्या गाते हो घटिया आवाज़, क्या डांस किया घटिया, तुमसे घटिया डांस तो कोई नहीं कर सकता, इस तरीके की चीज़ें अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो ये क्या एक ऐसी फ़ोटो एकदम जोकर लग रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपको ट्रिगर कर रही हैं तो समझ लो अभी प्रॉब्लम है ना। और एक और भी चीज़ होती है, इन सब चीज़ों के प्रति केयरलेस भी फॉर्म करना ज़रूरी होता है ना, केयरलेस फॉर्मेशन ज़रूरी है। जैसे आप गिटार बजाते हो तो लेफ्ट साइड की जो उंगलियां हैं वो मोटी हो जाती हैं, खाल निकल निकल के नई खाल मोटी खाल आ जाती है, वैसे ही माइंड में भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप बातें बोल रहे हो, अब देखो फिर से एक ब्रेथ थ्रू पॉइंट आ रहा है, जो भी आप बातें बोल रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी लेक्चर कहीं भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर आप उन बातों पे खुद अमल नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो आपकी बातों में सत्य तो है, आपकी बातों में सच तो है, आपकी बातों में रियलिटी तो है, नो डाउट, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बट वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप उसको खुद अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप कह रहे हो यार मैंने इतनी बातें डिस्कवर करी, मैं साला खुद क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं। तो उस दिन अपने आप से सवाल पूछना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल ही नहीं पूछते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और बुढ़ापे में आके 70-80 साल की उम्र में आके अगर आपको गुस्सा नहीं आता है और आप कहते हो अब मैंने गुस्से पे काबू पा लिया, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी फीबल हो गई है, आपकी जो एनर्जी है वो नीचे गिर गई है, तो अब तो आपने वो ऑटोमेटिकली शरीर ने काबू दिला दिया आपको। जवानी में वो एनर्जी जो है वो हैवी कमेंट से, हैवी एक्शन से ही ट्रिगर होने चाहिए। ये नहीं कि आपका क्रोध छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो रहा है, छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करती हैं, किसी ने लाइक नहीं किया तो आपने अनफॉलो कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास डीएम करते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं देता, मेरी मर्जी, मेरे पास टाइम थोड़ी है यार मैं हर इंसान को समझाऊं बैठ के कि भाई ये होता है वो होता है। अगर आपका सच में इंटरेस्ट है तो आप खुद करिए, मेरे इतने वीडियोस आ रखे हैं, दुनिया के और भी लोग हैं उनमें इतने वीडियोस, अगर आपको सच में लालसा है सीखने की, उस प्रश्न को लेके आपके अंदर ज्वलंत इच्छा है, बर्निंग डिजायर है उस प्रश्न को लेके, तो आप डीएम में अगर मेरा रिप्लाई नहीं आएगा तो उससे आप घबराओगे नहीं या फिर गुस्सा नहीं होगे। कई लोग मेरे को फॉलो करते हैं आके, उसके बाद जब डीएम पे रिप्लाई नहीं आता तो अनफॉलो कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है आजकल का यूथ, कुछ भी आप बोल दो नीचे, थोड़ी इतनी चिंदी चिंदी बातों पे इंसान ट्रिगर हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, बड़ी बातों पे आप ट्रिगर हो रहे हो जहां होना भी चाहिए। आपकी वाइफ को कोई छेड़ रहा है, आपका गुस्सा आ रहा है, मारो, ठीक है, पुलिस केस करो, जो भी करना है करो, एप्रोप्रिएट एक्शन। लेकिन यार अब ऐसे आप बैठे हुए हो, आपको कोई कह रहा है आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, या आपके बाल कम है तो कोई कह रहा है आपका टकला दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको ट्रिगर कर रही हैं, शारीरिक कोई आपके मोटे ज़्यादा हो गए हो, ये सब ट्रिगर नहीं होने चाहिए आपको। अगर आपको ट्रिगर हो रहे हो तो समझ लो कि अभी कुछ कमी है, समझ लो आपने एग्जिस्टेंशियल सफरिंग तो कॉन्कर कर लिया, इंटेलेक्चुअल सफरिंग तो कॉन्कर कर लिया, लेकिन एक और सफरिंग है जो मैं अगले में इंट्रोड्यूस करूँगा पार्ट 3 में, दैट इज़ केमिकल सफरिंग। इसका मतलब कुछ एक और चीज़ है जो आप सफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका माइंड, ध्यान देना, जिसकी वजह से आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है। सारी बातें सारी चीज़ें आपको पता हैं, भगवत गीता आपने 50 बार पढ़ रखी है, वेदांता आपने हजारों बार पढ़ रखी है, लेकिन आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है, वश नहीं है। और क्रोध ये एक सिम्टम है कि आपकी जो एक्चुअली में प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर आपकी एक्चुअली में प्रोग्रेस हुई होती तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो रहा है और इमीडिएटली आप क्वेश्चन कर रहे हो, कह रहे हो यार क्रोध क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा क्रोध क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बातों से मैं ट्रिगर क्यों हो रहा हूं, अगर ये आ रहा है और इमीडिएटली आप उसको सही कर रहे हो, या आपको कोई आके बता रहा है कि भैया ये रास्ता है, आपका ये प्रॉब्लम चल रही है,
लेकिन आप उसको तुच्छ प्राणी समझ रहे हो। आप उसको कह रहे हो भैया इसको कुछ नहीं पता, मेरे को सब पता है, क्योंकि आदमी को ईगो हो जाता है। उसको लगता है दुनिया की सारी किताबें, वेदांता, स्क्रिप्चर, सब कुछ पढ़ने से आदमी को समझ में आ गया, समझ में तो आपको आ गया, लेकिन आपका मन जो है वश में नहीं है, मन आपका वश में नहीं है, तो फिर काहे का समझ में आया? छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, माँ बहन ये सब चीज़ें होती हैं। कई लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बना रखी हैं बहुत सारी उल्टी सीधी, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है ये चीज़ें मेरे को अफेक्ट करती हैं? शुरू में करती थी नो डाउट, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो काबू में रहता है। मुझे पता है कि ये जो ध्यान है इस पे नहीं देना है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। और मैंने ये भी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर है कि अगर आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कुछ 10-15% लोग होंगे जो गलत भी बोलेंगे आपको। आप मुझे एक ऐसा शख्स बता दीजिए, एक ऐसी शख्सियत बता दीजिए जो फेमस है और उसको गाली नहीं पड़ती, चाहे वो पीएम है हमारे, पीएम ने तो खुद बोला था, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएम ने खुद बोला था, एडमिट किया था कि लोग हमें गालियाँ देते हैं, ठीक है, जो उनका एक भाषण था वहाँ पे स्टेज पे, और किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लो, कुछ भी उठा लो, किसी भी सीएम को उठा लो, सबको लोग बुरा भला बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, फेम का जो पार्ट है वो हेट्रेड है, तो अगर हेट्रेड नहीं चाहिए तो अंडरग्राउंड रहो, ओवर द ग्राउंड मत आओ, ठीक है। दुनिया में आप काम करोगे तो कई लोग ऐसे ही मिलेंगे जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति करते हैं, तो ऐसे लोगों को पहले ही आप समझ जाओ कि ऐसे लोग आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें कर रही, और आपकी जो बातें हैं, सेकंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जो बातें हैं वो आप उस पर खुद अमल नहीं कर पा रहे हो। आपने कहा कि मैंने ये अपने बोला, आपने ये बोला, आपकी जो बातें अगर आप उस पर खुद अमल नहीं कर पा रहे हो, समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इसको पहले एक्सेप्ट कर लो तो ही तो सोल्यूशन निकलेगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो काहे का सोल्यूशन, किस तरीके का निष्कर्ष निकाल पाओगे आप? ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना होता है मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे सब समझ में आ गया था, एक पॉइंट आया था, लेकिन फिर भी एक मन में जो शांति है वो नहीं थी, वो प्रॉब्लम कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या है जो मन को चाहिए, और मन को बातें नहीं चाहिए सर। अब हम धीरे धीरे केमिकल सफरिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहां से एग्जिस्टेंशियल सफरिंग सबने समझ ली, डिजायर हटा दिया, अकेलापन काटेगा, अकेलापन को खत्म करने के लिए हु एम आई करना होगा। हु एम आई करोगे फिर भी सफरिंग रहेगी, फिर एक और तरीके की सफरिंग डिस्कवर होगी, वो सफरिंग है केमिकल सफरिंग। अब ये केमिकल सफरिंग क्या होती है, या हार्मोनल सफरिंग इसको बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हमारे माइंड को ध्यान से दे सुनना, हमारे माइंड को कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने ही रहते हैं जिनसे वो शांत रहे, एक तरीके का वो फूड है उसके लिए या फ्यूल है। अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं तो आदमी, ध्यान दीजिएगा, दो ही डुअलिटी है इसकी, दो डुअलिटी। अगर वो केमिकल है तो आदमी का जो इमोशंस है वो स्वीट होते हैं, मधुर होते हैं, मीठे इमोशंस वाला आदमी होता है, वो आदमी को सब पे प्यार आएगा, कुत्ते पे प्यार आएगा, भिखारी खड़ा होगा तो उसको देख के आंसू आ जाएंगे, है ना। और जो आदमी के अंदर ये जो रसायन है अगर ये रिलीज नहीं होता है तो ये आदमी बचपन में तो खुश रहता है, लेकिन जैसे जैसे राइगर मॉर्टिस सेट होता है, 17 के बाद राइगर मॉर्टिस सेट होना चालू हो जाता है। मतलब क्या, स्टिफनेस ऑफ द मसल, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है, एक साइन है। जैसे सेट होता है तो आप देखते हो आदमी उम्र के साथ साथ आदमी क्रोधित होता जाता है, बचपन में आदमी क्रोधित नहीं होता, उम्र के साथ साथ आदमी 25, 26, 27 के बाद इरिटेशन आती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ना सोशल मीडिया, ना लाइफ, ना करियर, ना पैशन, कुछ नहीं,
फिर आप इसमें आते हो, ये भी काम नहीं कर रहा होता स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता भी पढ़ ली, उनको भी सुन लिया, उनको भी सुन लिया, हर जगह पैसे दे के चले आए, ठीक है, कुछ हो कुछ नहीं होता है। वहाँ पे भी आपके अंदर एक सूखापन होता है, ऐसा लगता है लाइफ बहुत रफ है, लाइफ में कोई रस नहीं बचा है, लाइफ नीरस हो गई है, जीवन एकदम कष्ट में बीत रहा है, जीवन में कष्ट है मेरे, सफरिंग है, दुख है, पीड़ा है, पता नहीं क्या है मेरे माइंड को ऐसा चाहिए। फिर ये जो माइंड है ये सोल्यूशन देता है, क्योंकि बेचारा माइंड क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के हिसाब से तो आदमी सोल्यूशन देगा, उसी के हिसाब से तो माइंड आपका सोल्यूशन देगा। जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो क्या कहता है, बाहर सोसाइटी क्या कहती है, अच्छा नहीं लग रहा है लड़की ढूंढ लो, अच्छा नहीं लग रहा है पैसे कमाओ, अच्छा नहीं लग रहा है बच्चे पैदा कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है विवाह कर लो। कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ तो उसमें बहुत सारे, मुझे बहुत मज़ा आता देखने में। एक बार मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, बैठे हो, हाँ भाई कुंडली उंडली देख रहे थे, हाँ बताइए आपका राहु चल रहा है ये वो, 2017 के बाद आपका राहु ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा, जैसे मैंने उठाया कुंडली देखा, मैंने बहुत सारे दुख वो लिखे हुए थे, सुख लिखे हुए थे। तो पहला सुख लिखा था वैवाहिक सुख, मैंने कहा अच्छा। तो उसमें प्रिडिक्शन होती है, एक कुछ लाल किताब करके कुछ होता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी जो वाइफ होगी बॉस, उसका जो अंग होगा वो बहुत सुडैल होगा। तो वैवाहिक सुख में शारीरिक सुख आ गया और मानसिक सुख आ गया। तो सही है, बढ़िया है, मतलब अच्छा, खुशी के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला था वैवाहिक सुख, दूसरा था मानसिक सुख। मानसिक सुख वो किससे, आपकी पत्नी से आपको मिलेगा, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। पता नहीं कौन सी गलत फहमी है। फिर वैवाहिक, मानसिक, फिर शारीरिक सुख। अच्छा, शारीरिक अगर आपको तृप्ति मिले शारीरिक, तो आपका मन जो है वो शांत रहता है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर पता नहीं कौन कौन से भोग, आप राजयोग है आपके में, अच्छा उससे क्या होता है, आपको सब कोई कमी नहीं होगी, सब पैसा वैसा होगा, खाने पीने का होगा। मैंने कहा अच्छा खाने पीने का आपका, तो खाने पीने से मतलब सुख रहता है, कहते हैं हाँ खाने पीने से भी, खाने पीने का भी सुख होता है, भोग बोलते हैं उसको, राजयोग वगैरह, भोग विलास, ठीक है। अगला तो कह रहे हैं आपका राजयोग है, फिर पता नहीं कौन कौन सा और योग उन्होंने बताए। मैंने कहा पंडित जी एक बात आपको मैं सही बताऊं यार, मैं अभी तक ये सारी चीजें कर चुका हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा लाइफ, अभी कुछ 7-8 साल पहले के बाद। तो मैंने उनसे एक सवाल, मैंने कहा ये बताइए कि आप ये अलग अलग सुख है तो आप इतने मोटे क्यों हैं, Why are you so fat? अगर आपको सुख मिल गया तो मोटा होने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का थोड़ा सा सही नहीं है। मैंने कहा हाँ, जो आदमी प्रश्न करता है वो सही नहीं होता, सही था। तो आप जब कुंडली में जाकर देखोगे तो बहुत अनेकों तरीके के आपको सुख मिलेंगे, शारीरिक सुख, वैवाहिक सुख, फिर संतान सुख एक और था, और बिटिया सुख और पुत्र सुख, पुत्री सुख, पुत्र सुख, तो ये सब लिखा था उसमें। तो मैंने कहा अच्छा, बहरहाल अब मैं उसमें अंदर नहीं जाऊंगा, उनका बिजनेस मेरे खराब खराब करने का कोई शौक नहीं है, वैसे मेरे बोलने से कुछ होता नहीं। तो एनीवे, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब फालतू की ड्रामे हैं। इंद्रिय तृप्ति और भोग विलास से किसी को सुख नहीं मिला है आज तक, और ये ही माइंड आपका जवाब देता है। आप अपने माइंड से पूछते हो कि भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो माइंड आपका कहता है चल बाहर निकल, इंद्रिय तृप्ति करवाता हूं, जबकि इंद्रिय की कभी तृप्ति होती नहीं है, राइट। तो
तो केमिकल सफरिंग जो होती है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अगले पार्ट में, बट मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया व्हाट इज केमिकल सफरिंग। ये एक ऐसी सफरिंग है जो अंदर हार्मोन अगर बैलेंस्ड है तो चीज़ें सही रहती हैं, और ये केमिकल सफरिंग जो है बेसिकली ये सिर्फ प्राणमय कोश यानी प्राण से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये केमिकल सफरिंग प्राण से भी कनेक्टेड है, और ये इन दोनों का ही एस्पेक्ट बताऊंगा, शारीरिक लेवल पे केमिकल सफरिंग और एनर्जी के लेवल पे यानी जो प्राणमय कोश है प्राण के लेवल पे, दोनों जो ये सफरिंग कैसे होती है या कह सकते हैं कि ना हो, अगर क्या उसका जो निष्कर्ष है वो क्या हो इसका, है ना, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस केमिकल सफरिंग। एनीवे थैंक यू सो मच, आई होप आपने रिलेट किया हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 3 में, टेक केयर।